वर्ल्ड एंटी ड्रग्स डे के एक दिन पहले ओपी सिंह पुलिस आयुक्त ने नशामुक्त फरीदाबाद बनाने के लिए ड्रग पेडलर और ड्रग माफियों से निपटने के लिए चलाए गए अभियान पर जगबीर राठी पुलिस उपायुक्त क्राइम, अनिल कुमार सहायक पुलिस उपायुक्त क्राइम के दिशा निर्देश पर कार्यवाही करते हुए क्राइम ब्रांच डीएलएफ प्रभारी उप निरीक्षक अनिल कुमार व उनकी टीम के उप निरीक्षण ब्रह्म प्रकाश, उप निरीक्षण मोहम्मद उमर, सहायक उप निरीक्षक समुद्र सिंह, सहायक उप निरीक्षक राजबीर, मुख्य सिपाही आनंद, मुख्य सिपाही कुलदीप, सिपाही अनिल कुमार, सिपाही नकुल, सिपाही सुरेंद्र, सिपाही नितिन की टीम ने दो व्यक्तियों को अलग अलग जगहों सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र और पाकिस्तानी मोहल्ला दो नंबर से नशीला पदार्थ की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार करके नशीला पदार्थ बरामद करने में कामयाबी हासिल की है। क्राइम ब्रांच डीएलएफ फरीदाबाद को गुप्त सूचना मिली कि सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र स्थित सुभाष नगर की झुगी नंबर 833 13/3 में चोरी छिपे बिहार निवासी संदीप सिंह चौहान पुत्र ब्रह्मदेव बड़ी मात्रा में गांजा इकट्ठा कर उसकी छोटी छोटी पुड़िया नशा करने वालों को बेच रहा है। सूचना मिलते ही प्रभारी क्राइम ब्रांच डीएलएफ ने रणनीति बनाते हुए गांजा विक्रेता की घेराबंदी कर ली। पुलिस को देखते ही गांजा विक्रेता आरोपी संदीप भागने की तैयारी करने लगा, लेकिन पुलिस के आगे आरोपी की एक न चली और पुलिस ने उसे दबोच लिया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ उसके घर की तलाशी लेने पर 4 किलो 500 ग्राम नशीला पदार्थ गांजा पत्ती बरामद की गई, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लगभग 5-6 लाख रुपए बताई गई है। क्राइम ब्रांच ने थाना सराय ख्वाजा में ड्रग पेडलर संदीप सिंह चौहान के खिलाफ FIR नंबर 162/21 धारा 20, 61, 85 NDPS एक्ट के तहत जेल भेज दिया। इसी प्रकार तुरंत कार्यवाही करते हुए क्राइम ब्रांच डीएलएफ ने थाना कोतवाली के एरिया में एक दूसरे ड्रग माफिया सागर भाटिया को भी गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच को अपने मुखबिरों से जानकारी मिली थी कि थाना कोतवाली के एरिया मकान नंबर 2NK 36 BP वार्ड नंबर 11 पाकिस्तानी मोहल्ला NH2 में सागर भाटिया पुत्र फकीर चांद भाटिया नशीला पदार्थ बेचता है, जिस पर क्राइम ने तुरंत कार्यवाही करते हुए नशीला पदार्थ बेचते ड्रग माफिया सागर भाटिया को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वो नशे के कारोबार में कई वर्षों से संलिप्त हैं। आरोपी संदीप चौहान एक बार पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी सागर दो बार जेल जा चुका है। दोनों आरोपी जेल से जमानत पर हैं और जेल से आने के बाद भी नशे के कारोबार में आ गए। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।